नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश से हाथरस लाई गई 12 लड़कियां, कमरे में बंद कर 3 दिन तक रखा भूखा। स्टोरी फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती, आज जनपद संभल में लोगों को आपसी सौहार्द की प्रेरणा। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड पर स्थित बंधन बैंक में लगी आग। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के हाथरस जिले में स्थित चंदपा थाना क्षेत्र के बुलगड़ी गांव में 19 वर्षीय कथित गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद मचे सियासी घमासान और जांच के बीच शनिवार देर रात ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। हाथरस में मध्य प्रदेश से लाई गई 12 लड़कियां रोती बिलखती सड़क पर मिली, जिनमें से एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। पीड़ित लड़कियों ने बताया कि हम सभी लोगों को कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। वहीं 11 लड़कियां अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड की है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से 12 लड़कियां बेचने के लिए लाई गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें 3 दिन तक भूखा रखा गया था। वहीं इन लड़कियों को एक घर के कमरे में ताला लगा कर रखा गया था ताकि ये भाग ना सके। पुलिस के मुताबिक इन्हें सिलाई काम कराने का झांसा देकर सिलाई का काम कराने के नाम पर 12 लड़कियों को हाथरस लाया गया था। पीड़ित लड़कियों ने बताया कि बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी और सीधे रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना बताई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने बंधक बनाकर रखी गई लड़कियों को मुक्त कराया। अब बड़ा सवाल कि क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट हाथरस में हुआ सक्रिय। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। निर्भया फंड के तहत योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ पुलिस के साथ वुमेन पावर लाइन 1090 और अन्य सुरक्षित एजेंसियों को मजबूत और सक्रिय किया है। योगी सरकार ने प्रदेश भर एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती के साथ सादी वर्दी में जगह जगह महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, यूपी 112 इंडिया मोबाइल ऐप, रात्रि सुरक्षा कवच योजना, महिला हेल्प डेस्क के साथ चौराहे पर पिंक बूथ बनाए हैं। सीएम योगी खुद महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम को लेकर हर महीने प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। और खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से, जहां थाना नकासा पुलिस ने आईपीएल का सट्टा लगाने वाली गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके 10,000 की नकदी सहित 12 मोबाइल, एक एलईडी, एक सेटअप बॉक्स, पेन आदि सामान बरामद किए हैं। संभल पुलिस की आईपीएल मैच पर सट्टा का कारोबार करने वालों पर नकासा इंस्पेक्टर धर्मपाल व उनकी टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। संभल जिले के नकासा कोतवाली क्षेत्र के तिमरदास सराय में पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी की तो पुलिस को आईपीएल मैच का सट्टा का अवैध कारोबार कराते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साजिद हुसैन के मकान पर छापा मारकर साजिद पुत्र शाबिर, समीर पुत्र यामिन, फहीम पुत्र तैयब और सादार अख्तर पुत्र अख्तर हुसैन को आईपीएल मैच का सट्टा करते रंगे हाथों पकड़ा। मौके से पुलिस को नकद 10,000 रुपये, 12 मोबाइल, टीवी बरामद हुआ, जबकि आरिफ उमर और गुलजार पुणगण आसिफ के नाम भी प्रकाश में आए हैं। इनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। सीओ अरुण कुमार ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया बाल पर 100, चौके पर 1,000, छक्के पर 2,000 और शतक पर 10,000 के हिसाब से ऑनलाइन सट्टा लगाते थे। पीएल के जैसे सट्टेबाज जो पकड़े गए हैं, कुछ रिकवरी इनसे हुई है, जैसे क्या मामला है सर पूरा? जी, ये एसपी संभल महोदय के डायरेक्शन पे जनपद संभल में अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में थाना नकासा क्षेत्र में तिमरदास सराय के पास साजिद हुसैन के घर पर आईपीएल का सट्टा लगाए जाने की सूचना थी। सूचना को पुख्ता करते हुए हम लोगों द्वारा, नकासा पुलिस द्वारा प्रभावी रेड की गई, तो इसमें साजिद के साथ अन्य 4 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं। तो 3 अभियुक्त तो फरार हो गए हैं वहाँ से, जिनके कब्जे से एक LCD, 10,000 के लगभग रुपये और मोबाइल फ़ोन आदि जो आईपीएल सट्टे में प्रयुक्त होते हैं, ये सामान प्राप्त हुआ है और ये कार्रवाई लगातार सतत रूप से अपराधियों के विरुद्ध जारी रहेगी। सर, इलाके में सर दूसरी जगहों पर भी जैसा आईपीएल की सट्टेबाजी है, तो जो क्या वहाँ पे भी जैसा कार्रवाई की जा रही है? जी, जहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही है, सूचना को वेरीफाई कर और भी सतत रूप से प्रक्रिया जारी रहेगी। अपराधियों के विरुद्ध ये अभियान लगातार जारी रहेगा।
तो वही खबर जनपद में कोरोना काल में हिंदू मुस्लिम राजनीति से दूर अलग अलग संप्रदाय से जुड़े दो दोस्तों की फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती आज जनपद संभल में लोगों को आपसी सौंदर्य की प्रेरणा दे रही है। जनपद संभल के हसनपुर मजबूता के खेत में देशी प्रैक्टिस कर रहा ये रेसलर विवेक चौबे है। विवेक पिछले 6 महीने से रेसलिंग की तैयारियों में जुटा हुआ है और वो भी एक मुस्लिम समाज से जुड़े अपने फेसबुक फ्रेंड फैजन के घर और उनके खेत में घंटों पसीना बहा रहा है। दरअसल ये दोस्ती कोरोना काल से पहले सोशल मीडिया के पेज फेसबुक से शुरू हुई थी। उस समय विवेक चौबे ग्वानियार बिहार का रहने वाला है। अब वह काफ़ी समय से देश की राजधानी दिल्ली में रहकर आगामी ओलंपिक में भाग लेने के लिए रेसलिंग की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच एक दुर्घटना में उनका पैर फ्रैक्चर क्या हुआ। दोनों दोस्त एक दूसरे की सहायता करने के लिए मिले। इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी और मूल रूप से बिहार के जनपद गोपालगंज के रहने वाले विवेक चौबे और दोस्त फैजान के साथ उसके गांव हसनपुरा आ गए, जो पिछले 6 महीने से यहीं रहकर ओलंपिक की तैयारी के लिए देसी मैदान अर्थात खेत में प्रैक्टिस करते हुए घंटों पसीना बहा रहे हैं। विवेक बताते हैं उन्होंने जिला और प्रदेश स्तर पर कई मेडल जीते हैं और उनका सपना है कि वो देश को ओलंपिक में मेडल दिला सके। आज के समय में जहां हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं, वहीं विवेक चौबे और फैजान की दोस्ती ने ऐसे लोगों को कड़ा संदेश दिया है जो हिंदू मुस्लिम करके देश प्रदेश का माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान साहब, जिस तरह से ये सुना गया है जैसे विवेक चौबे से आपसे दोस्ती हुई फेसबुक के द्वारा, कैसे कैसे दोस्ती हुई और ये ओलंपिक में जाना चाहते थे, आज आपके हसनपुर में काफ़ी समय से हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, ये बिहार में रहते थे। बिहार के बाद उनका जो भाई की पोस्टिंग है वो दिल्ली, ये दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली में जॉब करने लगा हिटाची कंपनी एसी की। उसके बाद हमारी दोस्ती चलती रही, मिलते रहे सुबह में शाम में स्टेडियम में मिलते थे। अब उसके बाद इनके जो तैयारी कर रहे थे, इनके चोट लग गई घुटने में, इंजरी हो गई। उसके बाद इनकी सर्जरी, डॉक्टर ने मना कर दिया इनसे 8 महीने के लिए। लगभग डॉक्टर बोला 8 महीने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद COVID-19 कोरोना की बीमारी, तो उस परेशानी में परेशान थे। फिर उसके बाद दिखाने के बाद मैं बोला आप घर पर चलते हैं, यहाँ परेशानी आए गए ऐसी कोई बात नहीं है, घर पर सब काम हो जाएगा और वहाँ कोई इतना कोरोना का वो नहीं है। फिर हम गांव आ गए, यहाँ पर तैयारी करनी शुरू कर दी और जो है सुबह सुबह रनिंग, जो वेट लिफ्टिंग और यहाँ जिम का योग बंदोबस्त कर लिया अंदर अपने हिसाब से, जो जैसे करनी है मतलब जिस तरह से। हाँ, जो अपना टायर मंगाया, एक घन मंगाया, मतलब जो भी रस्से वस्से जो भी तैयारी होती है अपने गांव के हिसाब से सब सामान इकट्ठा करके उसके लिए तैयारी करते थे। आपके कैसे लग रहा है, आपके दोस्त के ख्वाब आप पूरा कराएंगे, ओलंपिक तक भेजेंगे? हमें बहुत खुशी होगी एक जाने के बाद। तैयारी में लगे हुए हैं इंशाल्लाह, अब 2021 में हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। नाम है सर आपका? विवेक कुमार चौबे। चौबे जी, आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे, इस बीच एक हादसा भी हुआ, बताता चलें कि फैजान से आपसे फेसबुक से दोस्ती जुड़ी, कितना अरसा हो गया और कैसे कैसे आप यहाँ तक आए? जी, हम फेसबुक से इनसे मिले हैं, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट हम इनसे मिले हैं। उसके बाद से हमें इनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई, हम भी दिल्ली आएँ, इन्हें बुलाएँ, ये भी हमसे मिलें। उसके बाद से हम दोनों में बहुत अच्छी खासी दोस्ती चलने लगी। हम स्टेडियम में अपना वेट लिफ्टिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे, ये वहाँ पर आते थे। फिर हम लोगों में मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत एकता हो गया, फिर हम एक दूसरे से मिलने लगे। उसके बाद से हम वेट लिफ्टिंग करते करते जैसे हमारा इंजरी हो गया, इंजरी के बाद से हम हॉस्पिटल में रहे 4-5 महीने, हमारा इंजरी सही हुआ। उसके बाद से कोरोना का महामारी आ गया, फिर जो ये हैं फैजान भैया हमारे, ये हमें लेके यहाँ को आए और यहाँ आके हम गांव में देसी तरीके से हम अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। रही बात यहाँ के, तो यहाँ देसी चीज़ों से हम अपना काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस अपना कर रहे हैं। वहाँ पे जो हमें मिलता था वहाँ पे ये चीज़ ना मिलके फिर भी हमें यहाँ पे टायर अपना रनिंग अपना सारा कुछ करके हम एक दूसरे को भी सीख रहे हैं समझ रहे हैं। हमें बहुत लोग ऐसे गांव वाले हैं जो आते हैं समझने के लिए, सीखने के लिए, हम सबको सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है और हम अपने तैयारी में बहुत आगे जा रहे हैं और हम आगे तक जाएंगे। जो आपका हौसला था जो टूटा नज़र आ रहा था, लेकिन फैजान और आप लोगों सही उससे अब कैसा लग रहा है? उस सपना उड़ान अच्छा लग रहा है।
ये हमारे बहुत करीब के हैं और ये हमें बहुत सपोर्ट किए हैं और अभी तक सपोर्ट करते जा रहे हैं। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ऐसा सपोर्ट करने वाला आदमी शायद ना मिले। तो 2000 जो आ रहा है ये ओलंपिक, कैसे मानते हैं? मानेंगे हम, उसमें जाएंगे। अच्छा, इस बीच में क्या क्या आपको सम्मानित किया गया, कहाँ कहाँ खेले? जी 2016 में हम नेशनल खेले हैं और 2014 में हम डिस्ट्रिक्ट खेले हैं। उसके बाद से हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रही थी, तब तक हमारा 2019 में हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद से 2020 में ये कोरोना आ गया। अब ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन कौन से खेल कर रहे हैं ओलंपिक के लिए? वेट लिफ्टिंग और वो उसका रेसलिंग का। इस अगर जिस तरह से परेशानी आई थी, क्या कहना चाहते हैं आम पब्लिक लड़कों से प्रैक्टिस के बारे में? जी, कहना यही चाहते हैं कि जब हम इतने टूट के जब खड़े हो सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। और अब खबर चंदौली से। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड पर स्थित बंधन बैंक में आग लग गई। बैंक बंद होने के चलते धुआं निकलने पर लोगों ने इसकी जानकारी फायर विभाग को दी। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस दौरान बैंक में रखी इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत लाखों के सामान जलकर खाक हो चुके हैं। हालांकि बैंक भवन अग्निशमन के लिहाज मानक के अनुरूप नहीं बना था और विभाग की तरफ नोटिस भी दी गई है। दरअसल मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित बंधन बैंक का है, जहां शाम को अचानक बैंक से धुआं निकलता हुआ दिखा, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पीछे के दरवाजे से अंदर एंट्री की तो देखा पूरा ऑफिस धुआं के गुब्बारे से भरा हुआ है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड की टीम काबू करने का प्रयास किया, लेकिन धुएं का गुब्बार होने की वजह कामयाब नहीं हो सके और बाहर आ गए। दोबारा फायर अटेंडेंट की मदद से फायर डिपार्टमेंट की टीम को पानी का छिड़काव करते हुए अंदर घुसे, जिसके बाद अंदर जल कंप्यूटर सिस्टम और फैन एसी में लगे आग पर छिड़काव कर आग पर काबू पाया गया। फायर विभाग के इंचार्ज नागेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिक तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मौके पर अग्निशमन के प्राथमिक उपकरण तो मिले, लेकिन जिस तरह से बिल्डिंग बनी है उसको लेकर के विभाग के लोगों का कहना है कि पूर्व में ही इन सभी लोगों को नोटिस दी जा चुकी है। कॉमर्शियल बिल्डिंग होने के बावजूद अग्निशमन का कोई भी खास इंतजाम नहीं किया गया था। गौरतलब है कि समय रहते फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था, नहीं तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। बंद कर दिया था? नहीं हो एस बंद करा। भैया ये आग लगी थी, क्या मामला है? आप लोग पहुँचे बुझाए, क्या पूरा मामला कैसे लगी थी और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए ये सूचना लगभग 4:30 बजे बंधन बैंक में आग लगने की हम लोगों को मिली, और जैसे ही ये सूचना मिली है वैसे सबसे पहले वन टनर जो छोटी गाड़ी है हमारी 500 लीटर क्षमता की, इसको रवाना किया गया। इसके तुरंत बाद हम लोगों ने ये बड़ा टैंकर जो है जो 5000 लीटर का है इसको रवाना किया। इसके बाद हमारे जनपदीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय और इसके बाद मैं प्रभारी फायर स्टेशन मुगलसराय हम लोग ये घटनास्थल पर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद देखा गया कि बैंक जो प्रथम तल पर है उसमें दरवाज़ा बंद था, उसके जो लॉक थे उसको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन धुआं इतना था कि हम लोग प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। फिर पानी को चार्ज करने के साथ साथ हम लोग अंदर जाके स्थिति तहकीकात किए। पंपिंग करने के बाद कुछ रेस्ट लेते थे ताकि वो धुआं बाहर हो। ऐसे मशक्क़त करने के बाद फिर संज्ञान में आया कि उस बैंक के राइट साइड में एक टेबल पर दो कंप्यूटर जल रहे थे और उसके साथ ही साथ जो दीवार पर फैन लगा था वो भी जल गया था। तो ये पूरी संभावना इस बात की व्यक्त की गई कि इस बैंक में जो आग लगी है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से ही लगी है। ये जो बिल्डिंग है, ये अग्निशमन के जो नियम है उसका पालन हो रहा है यहाँ पे? ये
अग्निशमन विभाग की तरफ से तो जो भी इस प्रकार की बिल्डिंगें हैं तो उसके लिए सबको हमारे मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय द्वारा नोटिस दी गई है। फिलहाल यहाँ पर तो प्राथमिक अग्निशमन उपकरण सब उपलब्ध हैं जो देखने में मिला, लेकिन बंद होने के कारण ये आग पड़ी। हाँ, ये बैंक चूंकि बंद था और इस वजह से। तो वहीं चंदौली में अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरेसर गांव में शनिवार की रात एक युवक ने पुरानी रंजिश को लेकर जितेंद्र पासवान को गोली मार दी। गोली युवक के बाएं हाथ में लगी। घटना के बाद आनन फनान में परिवार वाले युवक को मंडल लोक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपियाड निवासी रेलकर्मी शंकर प्रसाद का पुत्र जितेंद्र पासवान अपने मित्र धीरज सिंह के साथ घर पर आईपीएल मैच देख रहा था। धीरज ने बताया कि मैच खत्म होने के बाद जितेंद्र उसे बुलेट से घर छोड़ने जा रहा था। इसी बीच सरेसर गांव के समीप बबलू यादव नामक युवक ने गाड़ी रोक ली और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान उसने अपने पास रखे पिस्तौल से जितेंद्र पर फायर कर दिया। गोली उसके बाएं हाथ में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंचे परिवार वाले उसे आनन फनान में मंडल लोको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घायल युवक के चाचा शंभू ने बताया कि उनका गांव में पुरानी रंजिश थी, जिससे 6 महीने पहले भी विवाद हुआ था। सीओ सदर ने बताया कि पुरानी रंजिश में गोली मारी गई है। गोली युवक के हाथ में लगी है। घटना में शामिल युवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरेसर गांव में बबलू यादव ने जीतू पासवान नाम के एक लड़के को जो है गोली मारी है। उनके आपस की पुरानी कुछ रंजिश थी। ये लोग आईपीएल देख करके निकले थे और उसके बाद इन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी में इसने गोली मारी है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी इसमें? इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और टीमें बना दी गई हैं और टीमें रवाना कर दी गई हैं उसकी गिरफ्तारी। क्या हाल है मरीज का? क्या हाल है? मरीज की हालत ठीक है। उसके बाँह में चोट गोली लगी हुई है और उसको बनारस रेफर किया जा रहा है ऑपरेशन। नाम है आपका? धीरज सिंह। धीरज, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? सर, हुआ ये था, ये हम लोग आईपीएल देख रहे थे घर पे। हम मेरे घर टीवी नहीं है, हम इसके घर आईपीएल देख रहे थे। देख के हम जा रहे थे, ये हमको जा रहा था छोड़ने। रात हो गया था घर, हमको जा रहा था ये घर छोड़ने। इतने में मतलब पहले का जो भी विवाद हुआ होगा, ये लड़का जा रहा था जीतू हमको छोड़ने। ये रास्ते में दारू पिया हुआ था, इसको घेर के पहले मारा है इसको भर पेट। बबलू मारा है। मारने के बाद फिर वहीं पे बगल में बगीचा था, वहाँ से बांस का मारा है। बांस का मारने के बाद बांस से मारा है, अब दो चार बांस इसको मारा है। उसके बाद एक दो बांस इसके बुलेट पे लग गया है, गाड़ी पे। इसका गाड़ी टूट गया है, ये लड़का लगा रोने। उसके बाद हम लोग बुलेट अपना देख रहे थे, उतने देर में गाँव के कुछ लोग जुट गए। आई सर, दारू रू पिया था क्या? इसके कपाल पर सवार था, गया पिस्टल निकाल के लाया, चाहे जो भी बंदूक मार दिया डायरेक्ट गोली। कहाँ लगी गोली? इसके हाथ में लगी। हाँ, मेरा दोस्त है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, जहां इटिया थोक थाना क्षेत्र के त्रिमनोरमा स्थित मंदिर के पुजारी को रात में गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हालत गंभीर देखते हुए पुजारी को लखनऊ रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गोली आपसी विवाद में मारी गई है। पुजारी सम्राट दास का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि शनिवार की रात करीब 2 बजे पहुंचे 4 लोगों ने पुजारी को गोली मारकर घायल कर दिया। जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। एसीपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि संबंध में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसीपी ने बताया कि जिनके ऊपर आरोप है उनसे पूर्व में भी जानकारी से विवाद हो चुका है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। थाना इटिया थोक क्षेत्र में तिर्रे मनोरमा गांव में स्थित राम जानकी मंदिर में 2 पुजारी वहां पे जकेटे रहते थे। उसमें से एक जो पुजारी हैं सम्राट दास, उनको बीती रात लगभग 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। गोली उनके बाएं कंधे पे लग के निकल गई थी और प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची तथा इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इनकी कंडीशन नॉर्मल थी।
बट इनको लखनऊ KGMU के लिए रेफर कर दिया गया था जहाँ की इनकी स्थिति नॉर्मल है। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद, उसी गांव के लोग हैं ये, और पूर्व में भी मुकदमे जो हैं इसमें पंजीकृत हैं। पूरे घटना की विवेचना की जा रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इस विवाद को देखते हुए वहाँ पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जय श्री राम। मैं सीता रामदास, राम जानकी मंदिर के मनोरमा का महासचिव। आज की रात हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई जिसमें हमारे पुजारी जी को गोली लगी। रात में करीब 2:20 थे, मैं विश्राम कर रहा था, हमारे पुजारी जी मंदिर के बाहर लेटे हुए थे और 2 होम गार्ड भी लगे हुए। होम गार्ड के रहते हुए भी अपराधी आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। प्रशासन सिर्फ दोष प्रत्यारोप अपने आप को बचाने में जुटा हुआ है। देखिए, मैं जब यहाँ पर आया था तो हमारे मंदिर में ज़मीनी विवाद था, कम से कम 150 बीघे ज़मीन एक अमर सिंह माफिया था जिसके ऊपर 35 मुकदमे हैं। कई बार जिला बदल हो चुका, 2 बार उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी, आज फिर के आया है और फिर से मौजूदा समय पे खुला घूम रहा है, उससे कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, हमारी उनके माध्यम से कई बार धमकियां मिली मुझे, कई बार हमारे पर हमला भी हुआ, हमारे मुकदमे में वो जेल भी गए। जेल से जब छूट के आए तो हर 10 अपराधियों पे कार्रवाई की गई लेकिन अमर सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों, आखिर क्या कारण है कि अमर सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? और जैसे ही वो छूट के आया तो कुछ राजनीतिक दबाव बस हमारी सुरक्षा को उसने हटवा दिया। और जब हमारी सुरक्षा SHO महोदय ने हटा लिया, पहले हमारे साथ शस्त्रधारी कांस्टेबल रहा करते थे, उसको हटा करके तुरंत होम गार्ड कर दिया गया जिसकी मैंने शिकायत SSP से किया, माननीय DGP महोदय से किया, केशव प्रसाद मौर्य जी से किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से किया, मैंने कई बार मांग की लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसी का परिणाम है कि आज प्रशासन के सह से जो भी हो रहा है प्रशासन के सह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उस माफिया के अंडर में काम कर रहा है। हमारी बात भी हुई थी, वो भी मैं रिकॉर्डिंग साझा करूँगा, हमसे बात भी हुई थी, हमने उनको बताया भी था। हमारे बार कई बार बम से हमला हुआ लेकिन ये लोग दबा देते थे, महाराज जी अब नहीं होगा, आप कुछ मत बोलिए, शांत रहिए, दंगा भड़क जाएगा, कोरोना है, तो हम शांत हो जाते थे। कई बार हमारे पर बम से हमला हुआ, कई बार बम फेंका गया लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसी का आज परिणाम है कि हमारा पुजारी मौत से जूझ रहा है। आज इसको ब्लड की आवश्यकता है, इतनी गंभीर हालत है कि गोंडा से लखनऊ के लिए रिफर किया गया है, यहाँ भी वो हालत ठीक नहीं है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कृपया हमारी मदद करें।